नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में सद्गुरु बाबा मनोहर दास साहिब जी उदासीन का 90वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सद्गुरु बाबा मनोहर दास साहिब जी उदासीन का 90वां जन्मोत्सव श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दो दिवसीय आयोजित होने वाले इस जन्मोत्सव में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें 19 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजे से 7:30 बजे तक सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक भी सत्संग का आयोजन होगा। 20 अक्टूबर रविवार को प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक नित्यनेम आरती, 10 बजे से 1:30 बजे तक झंडा साहिब एवं सत्संग, केक का भोग और पल्लव कार्यक्रम आयोजित होंगे। बोल जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। हर से बता रहे हैं बहुत खुशी से, सद्गुरु बाबा मनोहर दास साहब जी का प्राकट्य उत्सव 19 व 20 अक्टूबर 2024 श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। गुनी शाम से सत्संग कीर्तन व रात्रि में भगत होगी श्री दीपक लखवानी खैरथल वालों का सत्संग कीर्तन होगा। 20 तारीख को प्रातःकाल दरबार का नित्यनेम, उसके पश्चात 11 बजे ध्वजा वंदन पाठ का भोग व सद्गुरु बाबा मनोहर दास साहब जी का प्राकट्योत्सव संतों महापुरुषों के सानिध्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें भोग लगाया जाएगा। लड्डू का गुरुदेव के आगे वो प्रसाद समस्त भक्तों में बांटा जाएगा और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे वह सबका जीवन आनंद में सुखमय रहे, यही प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा एक्टिविटी आयोजित की गई, जिसका संचालन पुलिस लाइन राजकीय सिटी डिस्पेंसरी द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने जानकारी दी कि मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह गतिविधियां की गई। आज कलेक्ट्रेट परिसर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा एक्टिविटी आयोजित की गई, जिसका संचालन पुलिस लाइन राजकीय सिटी डिस्पेंसरी द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह गतिविधि की गई। इस अभियान के तहत कलेक्टर परिसर में स्थित कूलरों, पानी की टंकियों और अन्य जल भंडारों की जांच कर उन्हें खाली कराया गया। इसके अतिरिक्त टंकियों और पानी के अन्य बर्तनों में टेमीफोस केमिकल डालकर लार्वा को नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। डॉक्टर रंगा ने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है, जो लार्वा में परिवर्तित होते हैं और आगे चलकर मच्छर बनते हैं। इस प्रक्रिया को लार्वा अवस्था में ही नियंत्रित करने के लिए पानी में जला हुआ तेल, अन्य प्रकार का तेल या टेमीफोस केमिकल डालकर एंटी लार्वा गतिविधि की जाती है, जिससे पानी में मौजूद लार्वा नष्ट हो सकें। यह अभियान आगामी समय में सभी सरकारी कार्यालयों में भी आयोजित किया जाएगा, ताकि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। जयपुर के माखन सिंह का ढाबा और जोमेटो के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने कार्रवाई करते हुए दोनों पर 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ग्राहक से 50 रुपए का अतिरिक्त पैकिंग चार्ज लेने के मामले में लगाया गया है। जी देखिए, मामला 2 वर्ष पुराना है। हम सभी जानते हैं कि आजकल ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स हैं, चाहे वो जोमेटो है, स्विगी है, इनका चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। घर पर हम लोग को ऑनलाइन डिलीवरी फूड मंगाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे पास आया था। ब्यावर निवासी यश अग्रवाल है, उन्होंने जयपुर का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है मक्खन सिंह दा ढाबा, वहाँ से ऑनलाइन फूड मंगाया था जोमेटो के मार्फत। जोमेटो ने एक बिल जनरेट किया फूड आइटम का, उसमें 50 रुपये उसने डिलीवरी चार्ज लिए। मेरे क्लाइंट ने इस पर आपत्ति व्यक्त की, लेकिन जोमेटो और इन्होंने कोई सुनवाई की नहीं। उसमें हमने उसके बाद हमने जिला उपभोक्ता आयोग अजमेर में दावा पेश किया, ये कहते हुए कि ई कॉमर्स कंपनी है या फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या रेस्टोरेंट हैं, ये किसी भी प्रकार के पैकिंग चार्ज नहीं ले सकते। इसके समर्थन में हमने लॉ पेश किया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की धारा 36(5) ही कहती है कि जो सेलर है वो डिलीवरेबली स्टेट के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को। तो लेकिन जो इसका साफ साफ उल्लंघन करता है, ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 ही कहते हैं कि कोई भी सामान है वो उसकी डिलीवरी के लिए, सर्विस के लिए ई कॉमर्स कंपनी और सेलर दोनों बराबर के लिए जिम्मेदार होंगे। ये किसी भी तरह के पैकिंग चार्ज नहीं ले सकते। इसी तरह भारत के स्टेट कमीशन्स, राज्य उपभोक्ता आयोग, नेशनल कमीशन्स व अन्य न्यायालयों ने इस पर अपने वर्डिक्ट दिए हैं कि किसी भी तरह का पैकिंग चार्ज उपभोक्ता से नहीं लिया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, एसी रेस्टोरेंट होता है, एसी चलता है, बिजली लगती है, स्टाफ लगता है, एम्बियंस होता है, तो भी हमें एमआरपी पे ही फूड दिया जाता है, उसका वहाँ कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है। या फिर
हम वहाँ से टेक अवे फूड लेके आते हैं, वो भी मेन्यू कार्ड पे जो रेट होती है उसी पे दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है जब हम होम डिलीवरी पे फूड आइटम मंगाते हैं तो उसके लिए पैकिंग चार्ज लगा दिया जाता है, तो ये सरासर गलत होता है। जोमेटो की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए, रेस्टोरेंट की तरफ से कोई उपस्थित हुआ नहीं। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि इन सभी दस्तावेजों के आधार पे कि जो पिटिशनर कह रहा है वो बात सही है, रेस्टोरेंट और सेलर द्वारा जोमेटो द्वारा किसी भी तरह का पैकिंग चार्ज नहीं लिया जा सकता है, ये एक अपराध है और लॉ का उल्लंघन भी है। ये सभी पाते हुए बहुत महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने दिया है कि जो मेरे से 50 रुपये लिए थे वो लौटाए जाएं, प्लस 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति, 2,000 रुपये परिवाद व्यय, वो पिटिशनर को 2 माह की अवधि में लौटाया जाए, और नहीं लौटाने की स्थिति में जब तक लौटाया जाता है तब तक 9% ब्याज इनसे लिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही एक आम सूचना भी हो सकती है, एक जन जागरूकता वाला भी एक डिसीजन है कि हम सबको अवेयर होना चाहिए कि ऐसी जो गतिविधियां हैं इन लोगों के साथ जो लूट की जा रही है उसके प्रति अवेयर रहें, और ऐसा किसी के साथ लूट होती है तो उपभोक्ता आयोग में जरूर अपना पक्ष यहाँ लेके आए दावा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिसीजन जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट तरुण अग्रवाल। बूढ़ा पुष्कर से जॉलीवुड रिसोर्ट के मैनेजर और मालिक को उपभोक्ता आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस राजेश अंबानी द्वारा दायर किए गए परिवादी पर जारी किया गया, जिसमें जॉलीवुड रिसोर्ट के मालिक सहित अन्य पर 3,50,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। ये मामला शादी समारोह स्थल और एक बहुत ही मशहूर समारोह स्थल को लेकर है। पुष्कर में एक जॉलीवुड रिसोर्ट है। मेरे क्लाइंट ने अपने बेटे की शादी के लिए फरवरी 2023 में रिजॉर्ट बुक कराया था और शादी अगले साल होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो शादी कैंसिल हो जाती है और मेरे क्लाइंट द्वारा जॉलीवुड रिजॉर्ट और एक रजवाड़ा हवेली और की थी उनके द्वारा, तो वो बुक कराई थी और उनको टाइमली सूचित कर दिया था कि ये शादी कैंसिल हो गई है। उनके द्वारा जो दिया गया एडवांस 3.5 लाख रुपये था वो रिफंड करने की उनके द्वारा मांग की गई। जॉलीवुड रिजॉर्ट के मालिक हैं, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही आपका पैसा रिफंड कर देंगे, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने ये टालमटोल चलता रहा। इस साल फरवरी में उनको एक नोटिस दिया जिसके बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी आपका पैसा रिफंड कर देंगे, लेकिन हमें जब ये लगा कि सिर्फ वो टालमटोल कर रहे हैं और पैसा देने की उनकी नीयत नहीं है, तो हमने जिला उपभोक्ता आयोग अजमेर में दावा पेश करके और राशि दिलवाने का निवेदन किया, जिसपे आज सुनवाई करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्यगण ने इसको दर्ज योग्य पाया और आज नोटिस जारी करने के आदेश इन्होंने फरमाए हैं। आज अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जेलन अस्पताल के थैलेसीमिया वार्ड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सोफिया कॉलेज की NSA शाखा ने विशेष सहयोग प्रदान किया। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की आवश्यक पूर्ति करना था। आज अजमेर रीजन थैलेसीमिया सोसाइटी के तत्वाधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन थैलेसीमिया वार्ड के अंतर्गत किया जा रहा है जो JLN में ब्लड बैंक के सामने स्थित है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो थैलेसीमिया बच्चे जो हमारे सोसाइटी के रजिस्टर्ड 256, उनके निरंतर रक्त संचरण के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और हर बच्चे को सप्ताह में 2 सप्ताह में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनकी पूर्ति करने के लिए ये कैंप किया जा रहा है। और ये कैंप जो है सोफिया कॉलेज NSS शाखा एवं अजमेर रीजन थैलेसीमिया सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सोफिया कॉलेज की समस्त छात्राएं जो लगभग 50 से 60 बच्चियां आई है वो ब्लड डोनेशन कर रही है, साथ ही साथ अजमेर के भी प्रबुद्ध नागरिक जो है के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। कितने दिन का कैंप रहेगा ये? हमारा कैंप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक है और ये यूनिट लगभग हमारे 75 यूनिट का टारगेट है और मैं समझता हूँ ये टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या काम आएगा ये थैलेसीमिया बच्चों के निरंतर रक्तसंचरण के लिए आएगा, क्योंकि उन बच्चों को 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में ब्लड चाहिए। आपका नाम? ईश्वर पारवानी, जनरल सेक्रेटरी अजमेर रीजन थैलेसीमिया। मैं डॉक्टर मधुमिता हुसैन, अपने सहयोगियों के साथ आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की तरफ से 60 विद्यार्थियों के साथ थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग JLN डोनेशन वार्ड में आए हैं। बच्चों की जागरूकता को देख के हम लोग काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणादायक और इनका करुणामय और मानवता के प्रति अपना जो इनका कदम है ये हमें भी प्रेरित करता है और काफ़ियों को प्रेरित करता है। और मैं आम
मैम आम लोगों क्या कहना चाह रही हैं? आम लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इसके लिए आप लोग के अंदर जागरूकता है, जागरूकता लाएं और जिनको जरूरत है ब्लड की उनके लिए ब्लड। आज अजमेर जेलन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद खरे ने अस्पताल का निरीक्षण किया और विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल के कई हिस्सों में मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस पर उन्होंने बैठने की उचित व्यवस्था, टेबल्स और उद्यान को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पताल की इमारत में पानी की सीलन और छत की समस्या को तुरंत प्रभाव से ठीक करने के आदेश दिए। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। हमारी टीम में डॉक्टर जी सी मीणा, डॉक्टर अमित यादव और मेट्रॉन और उनकी टीम ने सबने औचक निरीक्षण किया। हमारा जो ध्येय है कि अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो अस्पताल में जो भी टूट फूट मरम्मत है, जो भी गंदगी है, उसको दिवाली से पूरे पूर्ण करा लिया जाए। तो उसके लिए हमने सब जगह पूरे केजुअल्टी का और इसके बाद में नीचे ओपीडी का, वार्डों का, इसमें हमने निरीक्षण किया और जो जो भी हमें कमियां लगी हैं उसको हमने लिस्टेड कर लिया है और उसको हम शीघ्र उसको रिपेयर करा के लगेंगे, जिससे कि मरीज आए तो उसको कुछ ऐसा नहीं लगे। अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी की वीसी हुई थी गायत्री राठौड़ मैम और अमरीश जी सर की, उन्होंने यही कहा था कि आप अपना, हमें प्रशासन को उन्होंने हमें शक्तियाँ दे दी कि आप अपनी तरफ से कमेटी गठित करके अपना काम अपन करा सकते हो, किसी दूसरे एजेंसी पर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो उसी संबंध में हम अपना पूरा इसको माइक्रो प्लानिंग बना रहे हैं और उस माइक्रो प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरे अस्पताल को हर जगह हम इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको दो पारी में करेंगे। पहली पारी के अंदर तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी इमीडिएट इफेक्ट से सही करा देते हैं, फिर इसको बड़े लेवल पे हम इसकी जो टाइल्स है, फ्लोरिंग है, फॉल सीलिंग है, छत है और इसके बाद में हमें ये इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, ये हम बड़े लेवल पे करेंगे इसके अंदर आरएमआर से टेंडर करके। तो ये इसका, इस प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है जो हमने आज राउंड लेके करा है। ओपीडी में प्लानिंग है कि वहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई जाए, दूसरा वहाँ पर क्यू सिस्टम करा जाए और पूरे ओपीडी को एयर कंडीशन करा जाए, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और उसको वो समय लगेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको आरएमआरएस से अप्रूव करा करके हम इसको करेंगे। 19 अक्टूबर शनिवार को ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजयनगर पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरि सेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा का मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्राप्त होगा। 19 अक्टूबर शनिवार को ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजयनगर पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरिसेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा का मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्राप्त होगा। हरिओम। कल 19 अक्टूबर 2024 को शाम को 7:30 बजे एक बैठक रखी गई है महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज जी के सानिध्य में, जो सदगुरु बाबा ईसरदास साहब जी का वार्षिक उत्सव जनवरी में 7 जनवरी से 13 जनवरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार सदगुरु बाबा ईसरदास साहब जी का वार्षिक उत्सव 100वां है, यानी शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी बैठक महापुरुषों के सानिध्य में कल ली जाएगी, जिसमें सेवाधार भक्तगण आएंगे। 7:30 बजे वो मीटिंग रखी गई है। आप सभी से निवेदन है तो आप भी उस मीटिंग में सम्मिलित होकर महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवनगर रोड स्थित वाल्मीकि के मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती वाल्मीकि समाज की ओर से मनाई गई। रामलाल और जय वाल्मीकि ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रामलाल फौजी, गोपाल तेजी, पप्पू राम वाल्मीकि, मदन गोयर, सूरज तेजी, गोविंद वाल्मीकि, मदन वाल्मीकि, चंद्र गोयर, अजय तेली, अनिल वाल्मीकि, विशाल वाल्मीकि सहित समाज बंधु मौजूद थे। वाल्मीकि जयंती को वाल्मीकि समाज के और भी अति प्रेमी सभी को मिलकर हमारे यहाँ मंदिर, वाल्मीकि मंदिर के सामने बाबा वाल्मीकि समाज का जो भी संत मंत ज्ञानी गुणजन जो भी है यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ पुष्कर के जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो भी है, उनका भी अच्छा सहयोग है इसमें। ये हर साल भी ये लोग मनाते हैं, नए लोग जो जो बच्चे हैं हमारे नए सब इनमें चढ़ बढ़ कर भाग लेते हैं बढ़ चढ़ के। और क्यों मनाते हैं वाल्मीकि जयंती? क्या वाल्मीकि जयंती इसलिए कि ये मतलब हमारी समाज के इनको सबसे बड़े ऋषि माना गया है वाल्मीकियों का, सबसे इसलिए इनको मनाते हैं। हमारे मतलब कुलगुरु माना है वाल्मीकि समाज इनको। किस जगह मना रहे हो आप?
ये पुष्कर में, पुष्कर देवनगर रोड पुष्कर वाल्मीकि मंदिर है हमारा, यहाँ धर्मशाला भी है, यहाँ मनाते हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम रामनाथ पुष्कर। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है कि आज वाल्मीकि जी की जयंती है, पूरे वर्ष में यह हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, और वैसे ही आज पुष्कर में आज वाल्मीकि समाज के युवाओं द्वारा सुबह फल वितरण किया गया। आज शरद पूर्णिमा भी थी, इसी अवसर पर सुबह फल वितरण और आज शाम को वाल्मीकि समाज मंदिर के बाहर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। आपका नाम? जय वाल्मीकि पुष्कर। पुष्कर पशु मेला 2024 का आगामी 2 नवंबर से आगाज होने वाला है, जिसकी तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुट गया है। गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार, नगर परिषद सभापति कमल पाठक, उपखंड अधिकारी गौरव कुमार गोयल, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर सुनील धिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति ककवानी ने बताया कि पुष्कर मेले की तैयारियों को लेकर मेला क्षेत्र परिक्रमा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आज पुष्कर पशु मेला 2024 की तैयारियों के लिए फील्ड विजिट की हमने। पहले तो परिक्रमा मार्ग देखा कि वहाँ पर किस रास्ते से ये जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको उसका आयोजन किया जा सके। उसके पश्चात जो नया मेला ग्राउंड है उसकी स्थिति को देखा और वहाँ किस तरह पशुओं के लिए व्यवस्था की जा सकती है, खेलियों वगैरह की व्यवस्था देखी और पशुओं को रहने के लिए पशुपालकों को कितनी बढ़िया सुविधा दी जा सकती है उसका निरीक्षण किया। आदरणीय अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन हमारे साथ में थी, SDM साहब साथ में थे, चेयरमैन साहब साथ में थे और जनप्रतिनिधि वगैरह सभी साथ में थे। पुलिस प्रशासन से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमारे साथ में थे। उसके पश्चात नए मेला ग्राउंड, पुराने मेला ग्राउंड की तरफ आए, स्टेडियम का निरीक्षण किया, साथ ही गिर और शंकर पशु प्रदर्शनी का स्थल को देखा और विकास प्रदर्शनी के स्थल को देखा कि इनको जल्दी से जल्दी तैयारी करके सफाई कार्य और संपादित किया जा सके, जिससे कि हम दिवाली से पहले पहले सभी कार्य पूरे कर। आपका नाम और पता? डॉक्टर सुनील गया, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग अजमेर। पुष्कर में जो हमारा मेला है लगभग 10-12 दिन रहेगा, तो उसमें अलग 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 वेन्यूज पे अलग अलग चीज़ें होनी हैं। तो आज मूलतः सभी विभाग जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके हमने वो सारे वेन्यूज देखे। मूल रूप से हमें ये भी था कि आध्यात्मिक यात्रा को कहाँ से निकालना है, वो भी पूरा रास्ता हमने देखा। दोनों ही जो मेला ग्राउंड है, नए पुराने, उसके बाद एंट्री प्लाजा में भी इस बार जो एक प्रस्ताव आ रहा है कि वहाँ पे भी कोई कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाए, कोई भजन का कार्यक्रम सुबह किया जाए, तो उसके लिए भी एंट्री प्लाजा में जो MP थिएटर है उसको भी मैंने देखा। तो इस तरह से ये पूरा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।